स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करेंगे। न्यूज 18 के पास प्रधानमंत्री मोदी का एफिडेविट है। प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और उनके पास कुल 52,920 रुपए ही कैश है। यह एफिडेविट जो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें जानकारी प्रत्याशी को देनी होती है, उसी के तहत ये जानकारी सामने आई। पीएम मोदी के पास कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं है और उनकी कुल संपत्ति 3.2 करोड़ रुपए बताई गई है। पिछले 5 साल में 87 लाख रुपए उनकी आय में इजाफा हुआ है। 2014 में कुल संपत्ति 1.65 करोड़ उनके पास थी। 2019 में ये बढ़कर 2.19 करोड़ बताई गई थी और 2024 में ये बढ़कर 3.02 करोड़ रुपए हो गई। प्रधानमंत्री मोदी के हलफनामे में ये सारी डिटेल्स डाली गई है। तो बता दें कि आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। प्रस्तावक भी आप देख ही रहे हैं उनके साथ। और जब नामांकन दाखिल किया जाता है तो पूरी जानकारी प्रत्याशी जो होता है उसे पूरी जानकारी देनी होती है और इस जानकारी में एफिडेविट जो उन्होंने दिया है उसके मुताबिक उनकी संपत्ति 3.2 करोड़ रुपए बताई गई है। पिछले 5 साल में 87 लाख रुपए उनकी आय बढ़ी भी है और उनके पास कैश की अगर बात की जाए तो 52,920 रुपए कैश उन्होंने बताया कि उनके पास 52,920 रुपए कैश है। उनके पास कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं है और कुल संपत्ति जो है उसमें 87 लाख रुपए का इजाफा हुआ है बीते 5 सालों में। 2014 में जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था तब संपत्ति की जानकारी जो थी वो 1.65 करोड़ थी। 19 में 2.19 करोड़ हो गई। ये भी आपको बता दें कि उनके पास कोई म्यूचुअल फंड नहीं है और कोई अचल संपत्ति नहीं है। आइए प्रदेश की खबरों की तरफ लौटते हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। महादेव सट्टा केस में एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ईओडब्ल्यू की रिमांड में फिर से सौंपा गया है अर्जुन यादव। अर्जुन यादव कौन? अर्जुन यादव पुलिस कर्मचारी, पुलिस आरक्षक जो था उसे गिरफ्तार किया गया था बीते दिनों और अब जब उससे पूछताछ की गई कई सारे खुलासे हुए। अब फिर से ईओडब्ल्यू की रिमांड पर उसे सौंप दिया गया है। 23 मई तक ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। अर्जुन यादव ईओडब्ल्यू की रिमांड में रहेगा। 6 आरोपियों को दूसरी तरफ 29 मई तक जेल भेज दिया गया। बड़ी खबर महादेव सट्टा केस मामले की, बहुत बड़ा मामला और इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी खूब चले हैं। दूसरी तरफ भूपेश बघेल सरकार तक पर आरोप लगाए गए। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। युगल, क्या जानकारी निकल कर आई है? अर्जुन यादव जिसकी बीते दिनों ही गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस आरक्षक था, कई अहम खुलासे हुए थे और शायद यही वजह है कि अभी और पूछताछ करनी बाकी, इसलिए रिमांड पर और सौंप दिया गया। युगल, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि युगल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। लेकिन महादेव सट्टा केस में यह बड़ा अपडेट सामने आया है। 23 मई तक की रिमांड पर भेजा गया है अर्जुन यादव को, जिसकी गिरफ्तारी बीते दिनों की गई थी। पचमढ़ी से उसे गिरफ्तार किया गया था। ये आरक्षक के पद पर तैनात था और इससे पूछताछ जो हुई उसमें कई सारे खुलासे हुए। उसमें ये भी पता चला कि इनके ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग बने हुए थे और भी जानकारियां बीते दिनों ईओडब्ल्यू की तरफ से ये जानकारियां भी दी गई कि कैसे महादेव सट्टा ऐप में पूरा खेल चल रहा था और अब तो सेबी भी पूरे मामले की जांच में जुड़ गई है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल ईओडब्ल्यू की रिमांड पर अर्जुन यादव को सौंपा गया। पचमढ़ी से गिरफ्तारी हुई थी, पूछताछ में खुलासे हुए, लेकिन ईओडब्ल्यू का भी लग रहा है कि और भी बातें जाननी जरूरी है, इसलिए रिमांड मांगी थी। जी देखिए, बिल्कुल महादेव सट्टा है मामले में आज सभी आरोपियों को, 7 आरोपी हैं, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और जो बर्खास्त आरक्षक है अर्जुन यादव, उसे ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंपा है। 23 मई तक जो अर्जुन यादव है एसीबी ईओडब्ल्यू की रिमांड पर रहेंगे और जो अन्य आरोपी है उन्हें 29 मई तक फिर से जेल भेज दिया गया है। यह मतलब यही है कि एसीबी ईओडब्ल्यू को कई अहम खुलासे कर सकता है आरोपी, और साथ ही साथ रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी और अलग अलग समय पर जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी है वो हो रही है। अब देखना होगा कि और कहां कहां तक जो इसके जो तार है वो जुड़े हुए हैं। टोकन जो मनी लेने की बात आई थी, प्रोडक्शन मनी लेने की बात आई थी, तो प्रोडक्शन मनी आखिर कौन कौन लेता था, इस दिशा में भी एसीबी ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो जांच कर रही है। इसमें कुछ पुलिस के अधिकारियों के भी नाम आए हैं और अर्जुन यादव है वो बर्खास्त आरक्षक है, तो ऐसे में तार जुड़े हुए दिख रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग ठिकानों पर 29। शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कस्टम मिलिंग घोटाले के मामले में मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी को कोर्ट में पेश कर दिया गया। 28 मई तक न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया। इधर बीजापुर में जो नक्सल मुठभेड़ हुई थी बीते दिनों पीडिया के जंगल में, पीडिया गांव के पास में, वहां पर मुठभेड़ के बाद कांग्रेस इस पर लगातार सवाल उठा रही है, ग्रामीणों के जरिए उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि बीजापुर के पीडिया में नक्सलियों को मारने के दावे को ग्रामीण फर्जी बता रहे हैं। दीपक बैज ये भी बता रहे हैं कि मुठभेड़ में एक गूंगे व्यक्ति की हत्या हुई थी और कांग्रेस ने इस मुठभेड़ की जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बीजापुर जिले के पीडिया में हुई नक्सली सुरक्षा बलों के मुठभेड़ पर गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है। गांव वालों का कहना है कि इस घटना में निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं और इस घटना में एक गूंगे युवक सन्नो की भी हत्या हुई है। गांव वालों के सवाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया है। घटना स्थल जाएंगे, ग्रामीणों से चर्चा करेंगे और वस्तु स्थिति का रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को सौंपेंगे। जांच कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी इस घटना पर अपनी रणनीति तय करेगी। इधर दूसरी तरफ कोंटा से कांग्रेस के विधायक हैं, बस्तर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी हैं कवासी लखमा, पूर्व मंत्री हैं। बड़ा बयान उन्होंने दे दिया, कहा कि आदिवासियों को नक्सली बताकर जबरन जेलों में ठूंसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 5 महीने की बीजेपी सरकार से आदिवासी डरे हुए हैं। बीजेपी सरकार तो आदिवासियों को ही खत्म करना चाहती है। बीजापुर नक्सल मुठभेड़ की जांच कांग्रेस की टीम करेगी और उसके बाद सच्चाई सबके सामने आ जाए। लोग 5 साल में सरकार चलाया भूपेश बघेल के नेतृत्व में, विश्वास, विकास, सुरक्षा में बहुत शांतिपूर्वक सरकार चला। 1700 लोग निर्दोष आदिवासी लोग को जेल से छोड़वा दिया गया। उसके बाद बढ़िया विकास भी होता था, रोड भी बन रहा था। अब रोड बनाना छोड़कर और विकास देना छोड़कर मारने से, पीटने से, जेल भेजने से कैसे होगा? वो गरीब आदमी जेल से कैसे छूटेंगे? उनके पास वकील पकड़ने के लिए आदमी नहीं है। तो बड़े लोग तो छूट जाते हैं और छोटे लोगों को मारना और जेल भेजना ये कहाँ से उचित है? और इस एनकाउंटर पर जो सवाल उठ रहे हैं, इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे हैं कि पुख्ता सूचना के आधार पर कार्रवाई हो रही है और कांग्रेस का काम ही जांच कमेटी बनाना है। इतने नेता शहीद हो गए थे, उसकी जांच भी उनके जेब में थी, कहते थे भूपेश बघेल जी की, वो भी जांच पता नहीं चली और उसकी भी जांच कमेटियां बनी, वो भी जांच पता नहीं चली। मसला ये है कि कमेटी बनाकर करेंगे क्या भाई? जाँच अगर करना है तो उचित बिंदुओं पर जाँच करें। नक्सलियों ने कितनों को मारा है इस पर भी जांच होनी चाहिए। नक्सलियों ने कितनों को अपंग किया है इस पर भी जांच होनी चाहिए। तब कोई क्यों नहीं बोलता है? तब क्यों बात क्यों नहीं आती है? 76 जवान मरे थे ताड़मेटला में, तब कहाँ थे सब लोग? कोई जांच समिति तब बना कर नहीं जाते वहाँ। इधर अरुण साहब कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने बस्तर के साथ अन्याय किया, नक्सलवाद को पाला पोसा और अब बस्तर की शांति और खुशहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए हमारे सुरक्षा बल बहादुरी के साथ जो कार्यवाहियां कर रहे हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने का काम ये कर रहे हैं। और